हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मेरे चैनल जैसे इंट्रो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए आप सबसे पहले सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप लिंक की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे फॉलो करके bytable.com वेबसाइट पर आ जाइए। और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पर क्लिक कीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं सिंपली गूगल प्लस अकाउंट से अपने लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपली गूगल प्लस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और अलाउ कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, यानी कि ये जो bytable.com है ये ओपन होना स्टार्टेड हो जाएगी। ये देखिए, ये लोडिंग हो रही है bytable.com की। अब सिंपली ये आप देख सकते हैं, ये ओपन हो चुकी है। आप सिंपली सिर्फ इतना कीजिएगा कि यहाँ नीचे आइएगा और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंट्रो, आप भी डाल दीजिएगा। और यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरा वाला टेम्पलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यही मेरे इंट्रो का टेम्पलेट है, तो दूसरा वाला आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ करना इतना होगा कि नीचे आइएगा और अपने चैनल का जो टाइटल वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ टेक वीडियोस एंड एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, तो सिंपली यहाँ पर मैं वही डाल दूँगा। तो यहाँ पर कुछ देर बाद आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। नीचे में बालूदा नाम से एक फॉन्ट होता है, उसे सिलेक्ट कर लूँगा, सिंपली इसे कर लिया है। और यहाँ पर अपना लोगो इंपोर्ट कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर अपना लोगो ले आता हूँ। सिंपली जाइएगा डॉक्यूमेंट पर और अपना यहाँ पर लोगो सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं रोटेट वगैरह और क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद आप सिंपली क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इस ब्लू कलर के बटन पर जो कि अपलोड है, अपलोड के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉन्ट। ये आप देख सकते हैं कि ये अपलोड हो रहा है, थोड़ी सर्च हो रही है। अब आप यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद एक नई जो है विंडो वो ओपन होएगी, यानी कि दूसरी तरफ ही आप चले जाएंगे। और यहाँ पर आप कलर थीम सिलेक्ट कर लीजिए, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली नेक्स्ट के बटन पर यहाँ ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद ऑडियो में सिलेक्ट अभी नहीं करूँगा, कैन मास्टर में ही करूँगा। और फिर नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ नीचे आइएगा, सिंपली बिल्ड माई प्रीव्यू नाम से ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर ये रेंडरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये पेड है तो आप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आप AZ स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करके इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा और सिंपली कैन मास्टर में इसकी एडिटिंग कर लीजिएगा, फिनिशिंग कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर AZ स्क्रीन रिकॉर्डर से यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है मेरी। और यहाँ पर ये जैसे ही प्ले होता है तो मेरा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा रिकॉर्डर। तो यहाँ देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो चुका है मेरा, मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसे रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली कैन मास्टर में चलते हैं और वहाँ करते हैं फिनिशिंग इंट्रो की। सिंपली कैन मास्टर में आ चुके हैं तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा और एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लीजिए। उसे लेने के बाद सिंपली मीडिया ब्राउज़र पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद अपने जो रिकॉर्ड किए हुए टेम्पलेट है, टेम्पलेट कहता हूँ आपका जो इंट्रो है उसे इम्पोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली शुरुआत से देख लीजिए कहाँ पर ठीक लगता है। तो मेरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ है,
तो यहाँ से मैं सीज़र के ऑप्शन पर जाऊँगा, ऊपर कोने में जो सीज़र का ऑप्शन दिया गया है, और पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम जाएंगे और इसे वाटरमार्क को हटाएंगे। वाटरमार्क को हटाने के लिए लेयर पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स पर जाएंगे और ब्लर इफेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे। और इसे लाने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे जाएंगे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे और इसे क्रॉप कर लेंगे, एक स्ट्रिप बना लेंगे इस इफेक्ट्स की। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसके ऊपर यहाँ रख देता हूँ रोटेट करके इसे। अब हम सिंपली यहाँ ऊपर सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद फुल कर देंगे इसकी स्ट्रेंथ को। और इसे फुल करने के बाद सिंपली लेयर पर जाएंगे और ब्लैक स्ट्रिप यहाँ ले आएंगे सिनेमेटिक लुक देने के लिए। तो सिनेमेटिक लुक यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा हमारा इंट्रो। एक ऊपर ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सिंपली तीन डॉट पर क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ डुप्लीकेट लेयर बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ इसे नीचे लगा दूँगा मैं, और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। और इसे ऐसे लगाने के बाद सिंपली ये साउंड इफेक्ट यहाँ पर लगा दूँगा, रूरल स्ट्राइड, ये वाला ही साउंड इफेक्ट मैंने अपनी इंट्रो में लगाया है। तो बस इसे यहाँ पर लगाने के बाद इसे कर दीजिए यहाँ पर कट और एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ये बन के तैयार है। आप देख सकते हैं शेयर के बटन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ पर सेव कर लीजिएगा फुल HD में। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।